Hello students, welcome to my YouTube channel, and today we are going to discuss a very interesting poem, The Little Black Boy, written by William Blake. William Blake was born on November 28, 1757 in London. He was an English poet. He was also a painter, and he was not recognized during his lifetime. He left his school at the age of 10 and he was educated at home by his mother. His famous works are Songs of Innocence and of Experience, The Marriage of Heaven and Hell, and The Four Zoos and Jerusalem. William Blake, जो कि लंदन में बॉर्न हुए, जिनका जन्म लंदन में हुआ, वो इंग्लिश पोएट पेंटर भी रहे. अपनी लाइफ टाइम के दौरान तो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए. 10 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल को छोड़ा और घर में ही अपनी माँ से ही एजुकेशन ली. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस बहुत फेमस रचना है उनकी. इस पोएम में विलियम ब्लेक ने कलर डिस्क्रिमिनेशन, जो कि रंग और रंग पर आधारित भेदभाव इंसानों में किया जाता है, जबकि परमात्मा की नज़र में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जब सोसाइटी में देखा जाता है कि कुछ बॉडीज़ जिनका कि कॉम्प्लेक्शन फेयर है और दूसरी तरफ कुछ बॉडीज़ जिनका कि कॉम्प्लेक्शन डार्क है, दोनों में वितकरा किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो कि सही नहीं है. बहुत समय तक जो वाइट कॉम्प्लेक्शन वाले लोग थे, उन्होंने ब्लैक कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों को नौकरों की तरह इस्तेमाल किया, उन्हें सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर समझते थे और ब्लैक को इन्फीरियर समझकर उन्हें स्लेव्स की तरह उनसे काम लिया जाता था. और काफ़ी देर तक जमैका जैसी कंट्रीज़ में भी ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, जहाँ पर कुछ पार्क्स और कुछ ऐसे पब्लिक प्लेसेस होती थी जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश मैन वाइट लोग होते थे उनकी एंट्री ही अलाउड होती थी. ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत समय तक चला. और इस पोएम में भी जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ से अपने काले रंग के बारे में पूछता है कि मैं काला क्यों हूँ, मेरा रंग, मेरे शरीर का रंग काला क्यों है, और उसकी माँ उसे किस तरह से समझाती है. सो लेट स्टार्ट द पोएम, द लिटिल ब्लैक बॉय. माय मदर बोर मी इन द साउदर्न वाइल्ड एंड आई एम ब्लैक, बट ओ माय सोल इज वाइट, वाइट एज एन एंजल is the English child, but I am black as if bereaved of light. Poet यहाँ पर एक छोटे बच्चे की रूप में बात कर रहा है कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया साउदर्न वाइल्ड, वो साउथ अफ्रीका के जंगली इलाके जहाँ पर बहुत सारे लोगों का रंग काला होता है. एंड आई एम ब्लैक, और मेरे शरीर का रंग काला है, बट ओ माई सोल इज़ वाइट, लेकिन मेरी आत्मा तो सफ़ेद है, पवित्र है, वाइट एज एन एंजल, एंजल फरिश्ता, फरिश्ते की तरह, जो कि इंग्लिश चाइल्ड को फरिश्ता माना हुआ है कि वो इतना सफ़ेद है जैसे कि कोई देवता का शरीर सफ़ेद होता है, इस तरह से मेरी आत्मा तो सफ़ेद है, बट आई एम ब्लैक, लेकिन मेरे शरीर का रंग ऐसे काला है जैसे किसी ने उसमें से वाइटनेस खींच ली हो, या सफ़ेदी से सफ़ेदी देने की, लाइट देने की, रोशनी देने में मुझे कमी रख ली हो. माई मदर टॉट मी अंडरनीथ अ ट्री एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ डे. She took me on her lap and kissed me and pointing to the east began to say.
मेरी माँ अंडरनीथ मीन्स नीचे, मुझे पेड़ के नीचे बिठा कर और समझा रही है। क्या समझा रही है? उस समय जबकि सूरज की रोशनी की जो गर्मी थी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, इसका मतलब अभी सूरज पूरी तरह गर्म नहीं हुआ, मीन्स अभी सनराइज हुआ ही है। शी टुक मी ऑन हर लैप, उसने मुझे अपनी गोदी में बिठाया, प्यार किया और फिर ईस्ट पूरब दिशा की तरफ इशारा करके मुझे बोल रही है, लुक ऑन द राइजिंग सन, देयर गॉड डज लिव। वो देखो जहाँ से सूरज उदय होता है वहीं परमात्मा का निवास है। एंड गिव्स हिज लाइट एंड गिव्स हिज हीट अवे, और वो वहीं से हमें रोशनी देता है, हमें हीट देता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वो रोशनी, वो हीट ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी है, एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट एंड मैन रिसीव, फूलों के लिए, पेड़ों के लिए, जानवरों के लिए और इंसानों के लिए, ये सभी के लिए ज़रूरी है। सूरज की रोशनी और उसकी हीट के बिना ये कुछ भी नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो कि नेचर में है, कंफर्ट इन मॉर्निंग जॉय इन द नून डे, सूरज की रोशनी से हीट से सुबह भी और दोपहर को भी आनंद मानती है और आरामदायक उन्हें ये लगती है। यहाँ पर मतलब कंफर्ट मींस खुशी मिलती है। एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस दैट वी मे लर्न टू बियर द बीम्स ऑफ लव। अब परमात्मा किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं करता। अगर हम अपने अस्तित्व को ढूंढें, वी आर पुट ऑन द अर्थ अ लिटिल स्पेस, तो पूरी धरती पर हमारी जगह बहुत ही कम है। अपने आप को अगर आप मैप में ढूंढते हो, अपनी लोकेशन को ढूंढते हो, तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे आप देख सकते हो कि इंडिया में कहाँ हो, इंडिया में देखने के बाद फिर पंजाब में कहाँ हो, पंजाब में देखने के बाद फिर अपने एरिए में कहाँ हो, उस एरिए में देखने के बाद कौन सी कॉलोनी में हो या कौन से विलेज में हो, और उस विलेज में हमारा घर कहाँ है, और फिर हमारा घर में मीन्स एक डॉट से भी कम जो हमारी एग्जिस्टेंस है वो हमें शो होती है। तो हम अपने आप को इतनी कम अस्तित्व होने पर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो से भरे रहते हैं। लेकिन हम कहीं पर भी हों, परमात्मा अपने प्यार की किरणों से हमें आनंद देता है। वी मे लर्न टू बियर द बीम्स ऑफ लव। जिसने हमें इस धरती पर भेजा है वो अपनी प्यार की किरणों से हमारी आत्मा को खुशी देता है। एंड दीज ब्लैक बॉडीज एंड दिस सनबर्न फेस, और जो ये शरीर काले नज़र आ रहे हैं या फिर झुलसे हुए चेहरे, ऐसा लग रहा है कि सूरज की रोशनी ने इन्हें झुलसा दिया है, ये जो नज़र आ रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, इज बट अ क्लाउड, सिर्फ एक बादल की तरह है। एंड लाइक अ शेडी ग्रोव, यहाँ भी सिमिले यूज़ हुआ, बॉडी को क्लाउड और शेडी ग्रोव। शेडी ग्रोव होता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, पेड़ों के झुरमुट में सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुँच पाती, ज़मीन तक। उसी तरह से सूरज का होना वहाँ पर हम नकार नहीं सकते, सूरज है लेकिन सूरज की रोशनी उन पेड़ों के झुरमुट में छाया में नज़र नहीं आती। उसी तरीके से अगर आसमान पर बादल छा जाएं तो वहाँ सूरज कहीं चला गया है ऐसा नहीं है, या है ही नहीं, उसको नकार दें कि सूरज का अस्तित्व ही ख़त्म हो गया, ये गलत होगा। उसी तरह से हमारी आत्मा हमारे शरीर में है, और जो ये शरीर उसे ढक के लपेट के रखा हुआ है, ये शरीर एक क्लाउड की तरह है, एक बादल की तरह है, ये फिर उस पेड़ों की झुरमट की तरह है जो कि
सूरज के अस्तित्व को नकार नहीं सकता, मीन्स हम सब में परमात्मा का निवास है और वो रोशनी एक ही तरह की है, वो किसी से अलग नहीं है, सिर्फ बादल की तरह ये शरीर ने उसको ढक के रखा हुआ है। फॉर वेन आवर सोल्स हैव लर्न्ड द हीट टू बियर द क्लाउड विल वैनिश वी शैल हियर हिज वॉइस सेइंग कम आउट फ्रॉम द ग्रोव माई लव एंड केयर एंड राउंड माई गोल्डन टेंट लाइक लैम्प्स रिजॉइस। वो लिटिल ब्लैक बॉय की माँ उसे आगे समझा रही है कि बेटा, जब हमारी आत्माएं अपने अंदर प्यार की जो किरणें हैं उसको समाना सीख जाएंगी, जब वो किरणें परमात्मा की हमारे अंदर चली गई और उसे हम समझ गए, तो क्या होगा कि हमारे जो शरीर रूपी बादल हैं ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, ये बादल हट जाएंगे। द क्लाउड विल वैनिश, वैनिश मीन्स होता है डिसअपियर। और जब ये काया रूपी शरीर, काया रूपी बादल हट गए, तो फिर क्या होगा, किसी भी रंग का कोई भेद, कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी बॉडी के कलर का की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी। सिर्फ उस टाइम ही, उस समय ही हमें परमात्मा की आवाज़ सुनाई देगी, और वो आवाज़ हमें क्या कह रही होगी कि अपने इस रंग के, अपने इस जो भेदभाव के झुंड में से बाहर आ जाओ। और वो सबको प्यार करता है, बराबर करता है, सबकी चिंता करता है। और वो क्या कर पुकारता है, किस तरह से पुकारता है कि मेरे सुनहरे टेंट में, मतलब मेरी शरण में आ जाओ। यहाँ गोल्डन टेंट का मतलब परमात्मा की शरण में आ जाना है। और लाइक लैम्स, लैम्स मीन्स यंग वन ऑफ शीप, भेड़ के बच्चे को, भेड़ को बहुत ज़्यादा इनोसेंट माना जाता है कि उसे जहाँ कोई लेके चले जाएगा वहीं चले जाएगी। एक भेड़ आगे अगर चली गई तो उसके पीछे पीछे दूसरी चली जाएगी, उसमें बिल्कुल भी चालाकी नहीं होती। और उसका यंग वन, उसका बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट माना गया है, और कहीं पे भी पोइट्री में अगर आप देखो कि इनोसेंस को कंपेयर किया है तो लैम्ब से कंपेयर किया। तो यहाँ पर परमात्मा अपनी शरण में बुलाकर अपने बच्चों को क्या बोल रहे हैं कि इनोसेंट बन जाओ, ईगो वाले नहीं रहना, यहाँ पर खुशी के साथ खेलोगे। जब हम अपना सरेंडर कर देते हैं, परमात्मा की शरण में चले जाते हैं और जहाँ हमारी कोई ईगो नहीं होगी, फिर वहाँ आनंद और खुशी ही खुशी है। Thus did my mother say and kissed me, and thus I say to little English boy, when I from black and he from white cloud free and round the tent of God like lambs we joy. अब छोटा जो बच्चा है वो क्या बोल रहा है अपनी माँ से सारी बात सीख के कि जो मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, मुझे प्यार किया, और यही चीज़ मैं अब वो इंग्लिश बॉय को भी मैं बताऊंगा। उसे खुशी हुई कि मैं जो हूँ अब मुझे पता चल गया है कि ये सिर्फ शरीर रूपी पर्दा है, अंदर से हम एक ही हैं। और वो बोलता है कि मैं उस बच्चे को भी बताऊंगा कि जब हम दोनों इन बादलों से मुक्त हो जाएंगे, मीन्स इन शरीरों को जब हम छोड़ देंगे और परमात्मा के सुनहरी निवास में जब हम जाएंगे, लैम्स की तरह खुशी के साथ वहाँ खेल रहे होंगे, तो वहाँ पर तेरे और मेरे बीच में कोई फ़र्क नहीं होगा। मैं तेरे जैसा ही होऊंगा और तू मेरे जैसा, क्योंकि वहाँ परमात्मा का आशीर्वाद हमारे पर, हम हमारे ऊपर बरस गया होगा। आई विल शेड हिम फ्रॉम द हीट टिल ही कैन बियर टू लीन इन जॉय upon her father's knee, and then I will stand and stroke his silver hair and be like him, and he will then love me. और फिर वो बच्चा क्या बोलता है कि जब मैं उस वाइट लड़की को सब चीज़ें बताऊंगा, तो फिर सारे ब्लैक लोगों से उसकी नफरत ख़त्म हो जाएगी, और ये सब देख के वो मेरे साथ भी प्यार करेगा, और फिर मैं अपने परमात्मा पिता
और पिता हम दोनों से एक जैसा ही बर्ताव करेगा। जॉय अपॉन अवर फादर्स नी, परमात्मा तो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। और मैं जब उसके पास खड़ा होऊंगा तो उसके सफ़ेद सिल्वर हेयर्स को मैं बिना हिचकिचाहट प्यार के साथ छू सकूंगा। मैं उसके जैसा हो जाऊंगा और वो मेरे जैसा, और हम एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे। वहां पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। शरीर का भेदभाव ही अड़चन बना हुआ था, तो जब शरीर छूट जाएगा तो आत्मा एक जैसी हो जाएगी और एक दूसरे से प्यार करेगी। इस पोएम में जो विलियम ब्लेक ने बताया, और रेस और कलर का जो डिस्क्रिमिनेशन था उसे ख़त्म करने की बात कही है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।